ओके अब ध्यान दो, अब इनिशियली ऑफकोर्स जिसके साथ एंगल बनाएगा वो रहने वाला है हम लोग का u cos थीटा रहेगा, एंड यहाँ पे इस तरफ जो वेलोसिटी रहेगा ये क्या आएगा u sin थीटा। अभी बॉल क्या होएगा, जाएगा यहाँ पे क्या आके हिट होने वाला है। अब हिट उठते वक्त हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहेगा, ऑफकोर्स लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस रहने वाला है। अब ये क्या होएगा, ये बॉल वापस क्या होएगा, बाउंस होएगा। अब ये बॉल बाउंस होएगा तो ये कहां पे जाएगा, इस तरह जाएगा, ध्यान देना। ऑफकोर्स इसका हाइट पहले जितना नहीं रहेगा, तो इसका हाइट क्या होएगा, ऑफकोर्स थोड़ा सा कम होएगा। अब वापस क्या होएगा, कोलाइड होएगा, ये क्या रहेगा आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट रहने वाला है। अब बॉल वापस क्या होएगा, बाउंस होएगा, लेकिन बाउंस होते अब पहले जितना हाइट नहीं रहेगा, तो इसका बाउंस कहां रहेगा, कुछ तो थोड़ा लेस रहेगा। चलो अब वापस हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहने वाला है, ये आपका क्या रहेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट रहेगा। ओके वापस क्या होएगा, आपका बॉल बाउंस होएगा लेकिन ये ओरिजिनल हाइट जितना नहीं आ पाएगा, तो ये यहां तक आ जाएगा। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर रहेगा, ये हाइट क्यों उतना तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको जमीन के साथ देखो कोई भी बॉल को आप जमीन पे डालोगे तो वापस आपके हाथ तक नहीं आएगा, आपके हाथ से क्या होगा नीचे तक ही उठेगा। भाई ओके फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब ध्यान दो, अब मेन जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वो कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ऑफकोर्स इधर भी क्या रहेगा, दो कंपोनेंट्स रहने वाला है, एक यहाँ पे रहेगा यू साइन थीटा रहेगा, एंड इधर क्या रहने वाला है, इट विल बी यू कॉस थीटा। अब पिछले लेक्चर में तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, वहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया था, हमने क्या बोला था कि वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाता है, चेंज होता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाता है, चेंज होता है। ओके अब कैसे आप लिखोगे इसको, तो यहां पे सबसे पहले चीज ध्यान देना, ई का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो यहां पे क्या आएगा, चलो इसको मेरे को ये वेलोसिटी पता नहीं है तो मैं इसको क्या लेता हूं, एक्स लेता हूं, ये जो पार्ट मेरे को नहीं पता है तो मैं इसको क्या लेता हूं, एक्स लेता हूं, तो यहां पे मैं एक्स लिखता हूं। ओके अब बॉल कितने वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो बॉल नीचे आएगा एक वेलोसिटी के साथ, इधर आने वाला है कितने के साथ, यू साइन थीटा के साथ नीचे आएगा, और यहां पे क्या रहने वाला है, यू कॉस थीटा रहेगा। अब ये हमने कहां पे किया है, प्रोजेक्टाइल में किया है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी यू साइन थीटा। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स का वैल्यू आएगा ई इंटू यू साइन थीटा आएगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो। तो यहां पे ये जो वेलोसिटी एक्स रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी यू साइन थीटा। सिमिलरली जब ये वापस सेकेंड टाइम कोलाइड करेगा, इसका वेलोसिटी क्या होएगा, वापस एक ई के साथ मल्टीप्लाई होएगा, ये कितना होएगा, ई यू सॉरी ई स्क्वायर यू साइन थीटा होएगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो ध्यान देना, वापस चलो मैं ये जो वेलोसिटी मुझे पता नहीं है तो इसको मैं क्या लूंगा, x लूंगा, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब कितने के साथ ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है e u sin थीटा के साथ, और इस तरफ इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, u cos थीटा रहेगा। तो आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, इट इज e u sin थीटा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी e स्क्वायर u sin थीटा आएगा। सिमिलरली तीसरे इंपैक्ट के बाद आपका वेलोसिटी कितना रहेगा, ये होएगा ई क्यूब यू साइन थीटा। चौथा बार जब होएगा तो ये कितना आने वाला है, इट विल बी ई रेस टू फोर यू साइन थीटा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलो मैं एक टेबल आपको बना के देता हूं, दैट इज चलो एक हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं किसके साथ, हाइट के साथ। ये हम लोग का हाइट का जो है कॉलम है, नेक्स्ट हम लोग कॉलम बनाते हैं, चलो इसके ऊपर एक कॉलम बना लेना, यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का कॉलम बनाओ, इसके नीचे आप क्या बनाओगे, नेक्स्ट रेंज का कॉलम बनाओ, रेंज के बाद नीचे जो कॉलम आएगा ये कितना आएगा, टी का आएगा। अब ये क्या होने वाला है, ये जो एक्सप्रेशन रहेगा किसके लिए, फर्स्ट कोलिजन के लिए, ये रहेगा एक्सप्रेशन सेकेंड कोलिजन के लिए, ये रहेगा एक्सप्रेशन थर्ड कोलिजन के लिए, और ये रहेगा एक्सप्रेशन किसके लिए, फोर्थ कोलिजन के लिए।
ओके, एक चीज तो हमें क्लियर है कि वेलोसिटी जो चेंज होने वाला है सिर्फ कहां पे होएगा चेंज, सिर्फ वाई एक्सिस में होएगा। तो हमारा वेलोसिटी इनिशियली कितना था, इट वॉज यू साइन टीटा था। तो कोलाइड होने के बाद ये वेलोसिटी कितना होएगा, ई यू साइन टीटा। सेकेंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना आएगा, ई स्क्वायर यू साइन टीटा। थर्ड के बाद यहाँ पे आएगा ई क्यूब यू साइन टीटा, एंड फोर्थ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू फोर यू साइन टीटा। नेक्स्ट आता है हाइट। अब हाइट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टाइल में किया है, इट इज यहाँ पे आएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, टू जी। अब आप पूछोगे कैसे आया है फॉर्मूला, तो हमें पता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू वाई इंटू यहाँ पे टाइम का जो एक्सप्रेशन था, टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आ रहा था, इट वॉज यू अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा था, टू जी। मल्टीप्लाई करके ये कितना होएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। अब ये सब एक्सप्रेशन हमने तभी किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, आपका जो एच का चेंज है वो यू के क्या होएगा, स्क्वायर के चेंज जितना बराबर रहेगा। इसका मतलब लेट से आपका जो चेंज हो रहा था ये कितने से हो रहा था, ई यू स्क्वायर से चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे आपका एच कितने से चेंज होएगा, ई स्क्वायर से चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एच है ये कितने से वेरी हो रहा है, ई के स्क्वायर से वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी ई स्क्वायर इंटू क्या आएगा, एच। अब ई स्क्वायर का स्क्वायर होएगा तो ये कितना आएगा, e रेस टू फोर एच, यहाँ पे e रेस टू सिक्स एच आएगा, यहाँ पे e रेस टू एट एच आएगा। नेक्स्ट रेंज का जो फॉर्मूला है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, इट इज टू यू एक्स यू वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, g आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हो, r और यू वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपका मतलब यू वाई ई से चेंज हो रहा रहेगा तो आपका रेंज भी कितने से चेंज होएगा, ई से चेंज होएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इंटू आर, यहाँ पे कितना आएगा, ई स्क्वायर इंटू आर आएगा, यहाँ पे ई क्यूब इंटू आर होएगा, यहाँ पे ई रेस टू फोर इंटू क्या आएगा, आर आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है टाइम का एक्सप्रेशन। अब टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, इट इज टू यू वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। ये हमने टोटल टाइम का एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो टाइम और यू आई में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब लेट से आपका ई से चेंज हो गया टाइम, तो आपका टाइम क्या होएगा, ई टी। ई स्क्वायर से चेंज हो गया तो आपका टाइम क्या होएगा, ई स्क्वायर टी। ई क्यूब से चेंज होएगा तो टाइम क्या होएगा, ई क्यूब टी से चेंज। यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी ई रेस टू फोर टी से चेंज होएगा। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हो। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने वाले। एक हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में सबसे पहले चीज कौन कौन से वेलोसिटीज और मासेस है ये हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे था 10 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस में, ए था और इसका मास कितना था 1। बी जो है ये क्या है, रेस्ट पे है। ओके, कोलाइड होने के बाद, कोलिजन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बी का, चलो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स करते हैं। तो ऑफकोर्स इसका कंपोनेंट्स जो रहेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनाएगा क्या रहेगा, वी बी कॉस 45 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहने वाला, इट विल बी वी बी साइन 45 रहेगा। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले रहे तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ वी बी कॉस 45। तो इसका मतलब जो आपका 2 kg का जो ब्लॉक था, दैट इज दिस, इसका वेलोसिटी कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी वी बी कॉस 45। सिमिलरली जो ए था, दैट इज यहाँ पे ए है। ओके, ए के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री, जिसका एंगल बनाता हो क्या रहेगा, वी ए कॉस 45 रहेगा। यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, इट विल बी वी ए साइन 45 रहेगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला पार्ट बना लिया, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में वी का कौन सा वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, वी ए कॉस 45। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी वी ए कॉस 45 आएगा। ओके, इसका मास कितना दिया, इट इज गिवन एस 1। चलो याद तक हो गया। अब मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो,
ये कितना आएगा 10 into 1, ये कितना आएगा 2 into 0 इक्वल टू, ये कितना आएगा 2 into यहाँ पे क्या आएगा BB, cos 45 कितना है इज 1/√2 प्लस यहाँ पे कितना है 1 into यहाँ पे क्या आएगा BA, cos 45 कितना है √2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, इट विल बी 10√2 इक्वल टू क्या आएगा 2VB प्लस यहाँ पे क्या आएगा BA, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो स्टार्टिंग में ए के लिए तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये कितना आएगा 0, बी के लिए भी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे चेक करो जो आपका ए ब्लॉक है इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इट इज वी ए साइन 45, तो यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी एक मास कितना था 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी वी ए साइन 45 कितना आएगा 1/√2। अब बी बी कॉस 45 काफी ज्यादा नीचे तो साइन क्या आएगा माइनस, बी का मास कितना था 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी बी साइन 45 क्या आएगा √2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो वी ए रहेगा अपॉन √2 माइनस को दूसरे लेके जाएंगे तो क्या आएगा प्लस, √2 से √2 क्या आएगा कैंसिल, तो हमारा वी ए ये किसके बराबर है 2VB के बराबर है। ओके ये वैल्यू को आप क्या करो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना आएगा 10√2 यहाँ पे क्या आएगा 2VB, VA के बदले आप क्या करो और एक VB सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे कितना आएगा 2+2 कितना आएगा 4, VB कितना आएगा इट विल बी 10√2 अपॉन कितना आएगा 4, तो VB का वैल्यू कितना आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 5/√2। वैसे आप क्या कर सकते हो VA ढूंढ के निकाल सकते हो, तो VA कितना है इट इज 2 times of VB, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 into 5/√2, 2 से 2 कैंसिल, तो VA का वैल्यू कितना आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 5√2। ठीक है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो ये ट्राई करो, ढूंढना आपको ट्राई करना। अब यहां पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए, दैट इज ई, ये इक्वल टू क्या रहेगा इट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और किसके अलोंग, 2D मोशन है तो यहां पे क्या आएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट आपको क्या ढूंढ के निकालना है, यहां पे नीचे क्या आएगा इट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन के पहले, सेम यहाँ पे क्या आएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। ओके अभी लाइन ऑफ इंपैक्ट आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ढूंढने का 2 तरीका, एक क्या है फर्स्ट जो आप चेक कर सकते हो दैट इज इन केस अगर क्या रहेगा इंपल्सिव फोर्सेस रहेगा, ध्यान देना इंपल्सिव फोर्सेस अगर रहेगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स, ठीक है तो ये सबसे पहला है अगर इंपल्सिव फोर्सेस रहेगा तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है अगर चलो ये कांसेप्ट मतलब इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो यहां पे एक दूसरा तरीका है दैट इज आप क्या कर सकते हो फाइंड द चेंज इन ये देखो ये एक मेथड है, ये मेथड 1 आप लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो मेथड 2 find the change in direction of body at rest। ठीक है अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे कौन सा बॉडी रेस्ट पे था, ऑफकोर्स ये जो बॉडी था ये क्या था मोशन में था, बॉडी कौन सा रेस्ट में था दैट वॉज ये बी वाला बॉडी जो था ये रेस्ट में था। ओके इसका चेंज इन डायरेक्शन कहां पे हो रहा है, तो इसका चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है इस तरफ, तो ये हम लोग का रहेगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब मुझे कैसे समझा ये लाइन ऑफ इंपैक्ट रहेगा, अब ध्यान दो ये क्या था स्टार्टिंग में रेस्ट में था, अब इसमें क्या हो रहा है अचानक इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब क्या है जो भी फोर्स एक्ट हुआ रहेगा वो ऑफकोर्स कहां पे एक्ट किया रहेगा अलोंग ये डायरेक्शन,
समझा फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, एक्सलरेशन इस तरफ एक्ट किया है। इसके लिए हम लोग का जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा अलोंग ये जो ब्लॉक बी है इसके अलोंग रहेगा। चलो ये चीज तो क्लियर हो गया, चलो हमें लाइन ऑफ इंपैक्ट तो मिल गया, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी और सेपरेशन, ओके, अब वेलोसिटी और सेपरेशन आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो जरा ध्यान देना। चलिए ये डायग्राम को जरा मैं नीचे बना के बताता हूं। ओके, तो यहां पे वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो यहां पे अफकोर्स वो क्या रहने वाला है, आफ्टर कोलिजन तो बीम है जो वेलोसिटी का चेंज है ये कितना है, इट वॉज फाइव रूट टू रहेगा। आप जरा उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो ये कितना आएगा, इट विल बी फाइव रूट टू। ओके चलो, ये कितना आया, फाइव रूट टू आया। अब यहां पे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइव रूट टू आया है। ओके अब ये तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी और सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, तो ये कितना आया, फाइव रूट टू। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करते, ए के लिए ढूंढते, तो ए का जो वेलोसिटी है ये कहां पे, इट इज ओवर हियर, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए है। क्या ये लाइन ऑफ अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है क्या, तो हम लोग चेक करते, इसका दो कंपोनेंट्स बनाते। ओके अब चेक करो क्या ये कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है क्या, नहीं, ये कुछ तो ऐसे आएगा। क्या ये कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है क्या, तो ये भी नहीं आएगा, ये कुछ ऐसे आने वाला है। क्या ये वी ए आएगा क्या, ऑफकोर्स नहीं, ये कुछ ऐसे आएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, वी ए का कोई भी कंपोनेंट यहां पे आने वाला है तो सिर्फ क्या आएगा, फाइव अपॉन रूट टू आएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, क्या कोलिजन के पहले ऐसा कोई वेलोसिटी है क्या जो अलोंग क्या रहेगा, मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट। ऑफकोर्स बी का तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो बी के लिए तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, चलो ए के लिए चेक करते। ए का जो मोशन था ये कहां पे था, आगे था। चलो ये कितना से था, 10 से आगे जा रहा है, इसका हम लोग क्या करते, दो कंपोनेंट्स बनाते, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, एक रहेगा इस तरफ और दूसरा रहेगा इस तरफ। ओके यहां पे कितना एंगल बना रहा है, तो इस तरफ ये एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री। ओके तो आप चेक करो क्या ए का कोई कंपोनेंट है क्या अलोंग, तो आप नोटिस कर सकते हो ये वाला कंपोनेंट है। ओके तो ये कंपोनेंट क्या रहेगा, इट विल बी 10 कॉस क्या रहेगा, 45 रहेगा। तो ये कितना आएगा, इट विल बी अपॉन आएगा 10 कॉस 45 आएगा। चलो तो ये आएगा 5 बाय रूट 2, ये कितना आएगा 10, कॉस ऑफ 45 कितना आएगा 1 बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 5 बाय 10, विच इज कितना आएगा 1 बाय 2 आएगा। सबसे पहले चीज यहाँ पे जैसे ये बॉल कहाँ पे आ जाएगा, ये सरफेस के ऊपर, हम लोग चेक करते कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे, मतलब पूरे सिस्टम, आपको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग पूरे सिस्टम पे अप्लाई करेंगे ताकि क्या हो, सारे इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाए। तो ये जमीन क्या करेगा, इसके ऊपर ये सर्फेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, ये बॉल सर्फेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इधर अप्लाई करेगा। बॉल का वेट कहां पे एक्ट करने वाला है, नीचे। चलो वैसे सिस्टम का वेट कहां पे एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एमजी। सिस्टम का नॉर्मल रिएक्शन कहां पे एक्ट करेगा, ऊपर। तो आप नोटिस कर सकते हो आप मोमेंटम कंजर्वेशन वाई एक्सिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल आउट होएगा इंटरनल फोर्स बन के, लेकिन आप एमजी, ये एन और ये एमजी को कैंसिल नहीं कर पाओगे, तो ये फोर्सेस बचेगा, एक्सटर्नल फोर्स जैसा एक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में अप्लाई कर सकते हो, वाई में नहीं, क्योंकि वाई में बहुत सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो, इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, इट विल बी 1 into यहाँ पे कितना आएगा 10, ब्लॉक बी तो रेस्ट में था तो ये कितना आएगा 2 into 0 इक्वल टू, क्या वी ए का कोई भी अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी है क्या,
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर है नहीं, तो वी ए ये इंटू क्या होएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा गलती हुआ, यहाँ पे क्या आएगा टू इंटू क्या आएगा जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि वी ए का फाइनल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस यहाँ पे क्या आएगा इट सॉरी इधर वन आएगा, गलती हो, वैसे वीबी का, वीबी का मास कितना है टू, वीबी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आएगा वीबी, वन इंटू टेन कितना होएगा टेन अपॉन टू, तो हमारा जो वीबी का आंसर आएगा ये कितना आने वाला है, इट विल बी फाइव, तो हमारा जो वी बी का वैल्यू रहेगा इट विल बी कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब वी ए हम लोग कैसे ढूंढ के निकालेंगे, अब ध्यान देना यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करने वाले, जस्ट फोकस करो, यहां पे ये क्या रहेगा वी ए रहेगा और इस तरफ ये हम लोग क्या रहने वाला है, इट विल बी जस्ट एक सेकेंड इसको बराबर से बना लेता हूं, ये क्या रहेगा हम लोग का यू ए रहेगा। अब यहां पे हमने कुछ कंसेप्ट किया था, दैट इज सबसे पहला हमने जो कंसेप्ट किया था, ऑफकोर्स इसके दो का मतलब दो ये रहेंगे जिसके साथ, देखो अभी ध्यान देना, ऑफकोर्स इसका भी क्या रहेगा दो कंपोनेंट्स, तो इसको मैं जस्ट है ना नीचे जस्ट बना के दिखाता हूं, यहां पे इसका दो कंपोनेंट कैसे आएगा, तो सबसे पहले आएगा एक जो कंपोनेंट रहेगा इस तरफ रहेगा, दूसरा कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे। ओके, अब आप ये एंगल्स कैसे निकालोगे, ध्यान देना ये एंगल्स निकालना इंपॉर्टेंट है, लेट से ये क्या रहेगा आपका एंगल थीटा रहेगा, तो यहाँ पे ये एंगल क्या रहेगा थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, इसका मतलब ये क्या रहेगा आपका थीटा, मैं वापस रिपीट करता हूं ध्यान देना, ये आपका एंगल थीटा रहेगा, तो यहाँ पे ये एंगल क्या रहेगा थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा रहेगा, तो ऑफकोर्स ये जो एंगल यहाँ पे रहेगा ये ऑफकोर्स 90 माइनस थीटा रहेगा, इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा थीटा रहेगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना, हमें पता जब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन्स लॉ में कर रहे थे, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या करता है वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा ये कितना आएगा थीटा आएगा। ओके, तो ध्यान देना, अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, सबसे पहले यू का कंपोनेंट बनाएंगे, यू कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग ओवर हियर, यहाँ पे ये जो रहेगा इट विल बी क्या जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा यू कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पे इस तरफ ये क्या आने वाला है इट विल बी यू साइन थीटा। चलो वीए के लिए करते, अब वीए के लिए इधर तो एंगल नहीं बन रहा है, तो ये कितना आएगा इट विल बी एक सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी वी ए साइन थीटा आएगा, और इस तरफ जो कंपोनेंट रहेगा ये क्या आने वाला है इट विल बी वी ए कॉस थीटा आएगा। अब हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस, दैट इज वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस, ये दोनों वेलोसिटीज क्या रहते इक्वल रहते, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते वी ए साइन थीटा, ये किसके बराबर रहेगा, ये जो वेलोसिटी रहेगा इसके बराबर रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा यू कॉस थीटा आएगा, तो वी ए ये इक्वल टू क्या रहेगा यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होएगा कॉट थीटा। ओके, यू का वैल्यू कितना है 10, कॉट थीटा नीचे क्या तो कितना होएगा टैन थीटा, तो ये कितना होएगा 10, टैन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, तो वी ए का वैल्यू कितना रहेगा इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। डाउट है।